अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जी मैं इटली से मोहम्मद बिलाल। आज मैं बात करूंगा इटली के विज़िट वीज़े के बारे में। और पिछली वीडियो पे एक भाई ने कमेंट किया था विज़िट वीज़े के बारे में, उसका एंड पे जवाब दूंगा। इटली में 5 करोड़ से ज़्यादा लोग हर साल विज़िट वीज़े पे आते हैं। इतने ज़्यादा लोग इटली में विज़िट इसलिए करते हैं, इटली ब्यूटीफुल कंट्री है। इटली वन ऑफ द कंट्री जो बहुत सारे वीज़े इशू करती है। और इटली का एक बॉर्डर स्विट्ज़रलैंड के साथ लगता है, जो कि इंतहाई बड़ी खूबसूरत जगह है। और इसके अलावा इटली की सिटी है वेनिस, मिलान, रोम, जो कि ब्यूटीफुल सिटी है। मेरी पहली वीडियो में आप देख सकते हैं। और आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इटली की इकॉनमी की बात की जाए तो ये काफ़ी खुशहाल मुल्क है। आप इटली का ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, बस अपॉइंटमेंट का थोड़ा मसला है। पाकिस्तान में आप लोग ट्राई करते रहें तो अपॉइंटमेंट मिल जाती है। इटली वीज़ा फ़ीस 80 यूरो है। और जब आप इटली में आ जाते हैं तो उसी वीज़ा पे आप जर्मन, फ्रांस या स्पेन किसी भी कंट्री में मूव कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं इटली का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले बिजनेसमैन, आपका बिजनेस सर्टिफिकेट चाहिए होगा, और आपके टैक्स रिटर्न चाहिए होंगे, बैंक अकाउंट चाहिए होगा। और इसके अलावा आप एक स्टेटमेंट लिख के देंगे कि आपके बाद आपके बिजनेस को कौन देख रहा होगा। और अगर आप बिजनेसमैन नहीं हैं तो आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री और ट्रैवल प्लान होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं। ट्रैवल हिस्ट्री ये है कि आप पहले किन किन मुल्कों का विज़िट कर चुके हैं, आपके पासपोर्ट पे उन मुल्कों के वीज़े लगे होने चाहिए। और ट्रैवल प्लान ये है कि आप इटली जा रहे हैं, वहाँ पे आप कौन कौन सी जगह घूमेंगे, किन किन शहरों का विज़िट करेंगे। इसके अलावा आपका पासपोर्ट कम से कम 1 साल वैलिड होना चाहिए। 2 पिक्चर जो 6 माह से ओल्ड ना हो, आईडी कार्ड हो, बर्थ सर्टिफिकेट हो। और इसके अलावा टिकट होनी चाहिए रिटर्न, होटल की बुकिंग होनी चाहिए। और अगर आपका फ्रेंड या कोई ई फैमिली मेंबर इनविटेशन भेज रहा है तो उसके मकान का एड्रेस होना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट चाहिए जिसमें 15 से 20 लाख रुपया होना चाहिए। और पुलिस का सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि पुलिस से क्लियर होना चाहिए, बंदे पे कोई केस ना हो। इसके अलावा मज़ीद डॉक्यूमेंट होते हैं जिनमें हम आपकी मदद कर सकते हैं। मसलन टूरिस्ट प्लान है। और इसके अलावा मकान का एड्रेस है इटली में। और इसके अलावा जी होटल बुकिंग है। इन चीज़ों में हम आपकी मदद कर सकते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट आपने VSF ग्लोबल वेबसाइट पे जाके देने होंगे, फिर वो आपको वीज़ा फॉर्म देंगे। बस आपने वो वीज़ा फॉर्म पूर कर देना है। बस ख्याल रखें कोई भी डॉक्यूमेंट फेक ना हो, सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होने चाहिए। पिछली वीडियो में एक भाई ने कमेंट किया था विज़िट वीज़े पे बंदा अजील करा सकता है। जी हाँ, बंदा अजील करा सकता है, मगर बेस्ट ऑप्शन यही है कि बंदा जब इटली में पहुँच आए तो कोई भी छोटा बड़ा काम ढूंढ के काम का कनेक्ट लगा कर पेपर जमा करा दे। जब बंदा इटली में पहुंच आता है तो और बहुत सारे ऑप्शन निकल आते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।